साल 1982। ये साल भारत के लिए अच्छा साल रहा क्योंकि इसी साल भारत ने पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन किया। दुनिया भारत को संदेह की नज़रों से देख रही थी कि इतना बड़ा आयोजन भारत जैसा पिछड़ा देश करा सकता है या नहीं, लेकिन भारत ने सभी संदेहों को दरकिनार कर कामयाबी से एशियन गेम्स का आयोजन कराया और दुनिया को विश्वास दिलाया कि भारत वो देश है जो दुनिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका रखता है। एशियन गेम्स से ही नहीं, दुनिया में भारत की धमक तब और बढ़ी जब 11 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ ओवल ऑफिस से बाहर निकली तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आत्मविश्वास से भरी इंदिरा गांधी और रोनाल्ड रीगन की इस फोटो ने दुनिया को भारत और अमेरिका के नए संबंधों की तस्वीर दिखाई। भारतीय राजनीति के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली की शूटिंग बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में चल रही थी। सीन शूट किया जा रहा था जिसमें पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को घूसा मारना था। गलती से पुनीत इस्सर ने अमिताभ के पेट में इतनी तेज घूसा मार दिया कि अमिताभ बच्चन की जान जाते जाते बची और उन्हें लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ा।